गाइज आप सबका स्वागत है मेरे फर्स्ट व्लॉग में। तो व्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना छोटा सा एक इंट्रो दे देता हूँ। तो मेरा नाम है प्रज्वल तुरकर और मैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले से बिलोंग करता हूँ और आज से मैं अपना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मेरे साथ होने वाला है कौशी। तो ये मेरा भांजा है और ये इसकी स्कूल बस हमारे गांव से जाती है, तो रात में ये हमारे यहाँ पे रुक गया था और आज हम जाने वाले हैं घूमने। तो हमारे साथ बने रहिएगा पूरे व्लॉग में। गाइस अभी कौशिक खेल रहा है, बॉडी बना रहा है, देखिए एक्सरसाइज करने के लिए उसने डंबल ले लिया था और अभी ये पुशअप्स कर रहा है। ये छोटेपन से बॉडी बनाएगा तो शायद से इसकी डिप हसली एक हो जाएंगी। रुक जा बच्चे, रुक जा। तो गाइस अभी हम रेडी हो जाते हैं क्योंकि हमें जाना है डोंगरगढ़ जो कि एक टूरिस्ट प्लेस है। तो वहाँ पे हम अभी नवरात्र के मेले में जाने वाले हैं देवी के दर्शन के लिए। तो चलो रेडी हो जाते हैं। तो गाइस हम नहा के आ गए हैं और कौशिक भी नहा के आ गया है, पर इसके पास कपड़े नहीं है क्योंकि ये डायरेक्ट स्कूल से इधर आ गया था। तो जब अभी इसकी मम्मी आएंगी उनके ही गाड़ी से हम जा रहे हैं डोंगरगढ़, तो वो कपड़े लेके आएंगी, फिर कौशिक पहनेगा अपने कपड़े और हम हो जाएंगे रेडी। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। कौशिक मना कर रहा है खाना खाने के लिए, उसको बार बार हम पूछ रहे हैं कि खाना खा ले, पर वो अपनी जीत पे अड़ा हुआ। बहुत चल खाना खाने चल चल बोला ना मारेंगे क्या, चल खाना खाने, जबरदस्ती ले जाएंगे तेरे। क्या चाहिए क्या चाहिए? तो अभी कौशिक आ गया, अभी लेते हैं खाना। तो पहले हमारे पास अभी आज बनी है रोटी और चावल और बना है दाल भट्टा, तो खाना ले लेते हैं। ये आखिरकार कौशिक खाना खाने बैठ गया है और मैं भी खाना खा रहा हूँ। आज खाना हो चुका है और कौशिक गेम भी खेलने बैठ चुका है, तो अभी हम वेट कर रहे हैं गाड़ी आने का। कौशिक के पप्पा गाड़ी लेके आने वाले हैं और हम जाने वाले हैं डोंगरगढ़। तो तब तक के वेट करते, तब तक के तेल वगैरह लगा लेते हैं और रेडी हो जाते हैं। तो मिलते हैं। कौशिक ने बहुत ज़्यादा पाउडर लगा लिया है और इसको बन गया है पूरा बंदर। गाइज हमारी अभी गाड़ी आ चुकी है और कौशिक का भाई भी आ चुका है, अभी हम जाने वाले हैं डोंग। अभी हम निकल रहे हैं डोंगरगढ़ के लिए, बैठ रहे हैं गाड़ी में। गाइज अभी हमारी गाड़ी निकल चुकी है और हमारे साथ है कौशिक के पापा, कौशिक का भाई और कौशिक की मम्मी, मेरी मम्मी और कौशिक की दादी जी। तो हम 6 लोग जा रहे हैं। कौशिक रुत्विक स्नैक्स खा रहा है और कौशिक को भी चाहिए स्नैक्स। कौशिक को भी मिल गया, कौशिक को भी मिल गया है ये कुरकुरे का पैकेट, सोया स्टिक का पैकेट मिल चुका है और अभी ये मजे से खाएगा, मजे से। रेलवे क्या जो जिसकी पतली टूटी थी। तो गाइज अभी हम कौशिक के बुआ के यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि वो भी हमारे साथ आने वाले, उनकी एक सेपरेट कार होने वाली है। तो 2 गाड़ी से जा रहे हैं हम डोंगरगढ़, तो चलो चलते हैं। तो गाइज ये है कौशिक के बुआ का घर और यहाँ पे हम अभी पहुँच गए हैं। ये यहाँ से निकल रहे हैं, ये लोग भी रेडी थे तो हम अभी रहे हैं। तो गाइज ऋत्विक उस गाड़ी में बैठने वाला है और बुआ जी के साथ अपने, और ये उसके बुआ का लड़का, रुद्र नाम है इसका। कौशिक ऋत्विक को बाय बोल दे। ऋत्विक बाय, ऋत्विक बाय, बाय बाय ऋत्विक। तो अभी हमारी गाड़ी ने स्पीड पकड़ लिया क्योंकि अभी अच्छा रोड है, अभी तक के बहुत ही टूटा फूटा रोड। कौशिक गाड़ी में सो गया है, बड़ा लगेगा पिकनिक। तो कौशिक गाड़ी में सो गया है, सो गया है मेरे गोदी में कौशिक,
हमारी गाड़ी जा रही है तो अभी हम गोंदिया पहुंच चुके हैं और यहाँ से दीदी को लेना है गाड़ी में क्योंकि वो भी आ रहे हैं। दीदी आ चुकी है और वो वाली गाड़ी में बैठ रही है और ऋत्विक हमारे गाड़ी में वापस आ चुका है। तुम रहो बोले दोनों यहाँ तीन बार गाड़ी से उतरते हो। गाड़ी में आ चुका है वापस। अभिषेक अपने हाथ को लहरा रहा है खिड़की के बाहर निकल कर। ज्यादा खिड़की के बाहर हाथ निकलना अच्छी बात नहीं है। कौशिक अंदर लाले हाथ कौशिक लाले क्यों बड़े प्यारे ही तो मैं क्या करूं के वहां भी गाड़ी चला था फोड़ेगा फोड़ के दिखा मेरा मेरा मोबाइल मेरा ये कौशिक। और इसके बाद में हम चल रहे हैं मेरे सबसे छोटे सिस्टर के घर पे जिसके घर पे मैं अभी तक केक कभी गया नहीं। जो ऋत्विक कौशिक के बुआ जी की गाड़ी थी वो दूसरे रोड पे चले गए हैं तो उनके लिए अभी हम रुके हुए हैं एक जगह पे। और मैं अभी थोड़ी देर पहले चिप्स लेने गया था बहुत सारे कौशिक और ऋत्विक के लिए चिप्स लेके लाए हैं तो अभी हम वेट करते हैं उस गाड़ी के आने का उसके बाद में चलेंगे दीदी के यहाँ पे। जब भी ऋत्विक और कौशिक दोनों भी टॉयलेट के लिए उतर चुके हैं इस गाड़ी आ चुके हैं और हम भी निकल चुके हैं तो चलो चलते हैं दीदी के यहाँ पे। अब हम दीदी के गांव में एंटर कर चुके हैं और अभी जा रहे हैं उनके घर तरफ तो वो लगता है कि सामने वाला घर हो सकता है क्योंकि मैंने जब फोटोज देखा था हाँ बराबर है तो गाइस ये वाला ही घर है लगता है और वो देख रहे हैं। गाइस पहुंच चुके हैं हम अभी मेरे छोटे सिस्टर के घर पे। अभी ऋत्विक तो झूले पे बैठ भी चुका है और जीजू वेट कर रहे हैं हमारा। नमस्ते जीजू। हाँ ब्लॉग सिस्टर के यहाँ पे पहली बार आया हूँ मैं और ये है मेरी जीजू पानी लेके आई है तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर रुकते हैं फिर नाश्ता वगैरह करते हैं और फिर चलते हैं डोंगरगढ़ के लिए। तो हम गच्ची पे खेलने आ चुके हैं। कहाँ पे उतर रहा है क्या है घर वो उनकी कवले टूटेंगी ना। ए ऋत्विक मत 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 वो लोग है वो देख बाड़ी में है गाली भी दे रहे हैं। यहाँ पे ये खेल रहे हैं ऋत्विक कौशिक और रुद्र। ए उठ जा गिरेंगे रे। तो गाइस नाश्ता आ गया है और नाश्ता हो चुका है और अभी दीदी चाय बना रही है तो थोड़ी देर में चाय पी के हम निकल जाएंगे। एक गाइस अभी दीदी के यहाँ से निकल रहे हैं तो अभी एक पास डोंगरगढ़ के रास्ते पे ही एक हाजराबाल करके टूरिस्ट प्लेस है वाटर है तो वहाँ पे रुकने वाले हैं तो चलते हैं वहाँ पे। बाय बाय मौसी रो रही है अभी क्योंकि हम सब जा रहे हैं। बाय ये उन ना अजून ये उन बाय बाय तो गाइस अभी हमारे को पुलिस ने रोक लिया है पीयूसी और लाइसेंस मांग रहे हैं। हमारे पास शायद से लाइसेंस तो है जीजू के पास पर पीयूसी नहीं है और देखते क्या होता है। क्या ये पुलिस वाला पैसे लेगा क्या हमारे को को जेल में तो नहीं डालेंगे कौशिक तेरे को जेल में डालेंगे नहीं, नहीं? हमारी तो गाड़ी छोड़ दी है पीयूसी के लिए हमने फाइन भरा लेकिन हमारे साथ जो गाड़ी थी कौशिक के बुआ जी की उनको अभी तक के नहीं छोड़ा है। क्या चल रहा है वहाँ पे पता नहीं शायद से उनके पास लाइसेंस भी नहीं है।
तो अभी उस गाड़ी को भी छोड़ दिया, लाइसेंस भी नहीं थी, पीयूसी भी नहीं थी, तो दोनों का फाइन भरना पड़ा। फिर उसके बाद में ही उन्होंने छोड़ा, तो हमारे को बहुत ज़्यादा फाइन गिर चुका है। और चलते हैं फिर भी, अभी यहाँ चढ़ के वापस जा रहे हैं। ओ जंगल है यहाँ पे पास में ही, शाम हो चुकी है, सुबह से निकले हैं हम लोग, कोच नहीं कोई, क्योंकि रुकते रुकते आ रहे हैं, साथ में पुलिस भी मिल गए थे जिनकी वजह से हमारा आधा घंटा चले गया। गाइस यहाँ पे ये एक एंट्री है जहाँ से वाटरफॉल के लिए जाते हैं, लेकिन ये 10 से 4 बजे तक की होती है, तो शायद से हमें यहाँ पे एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो हमें डायरेक्ट डोंगरगढ़ के लिए निकलना पड़ेगा। इधर का रास्ता पूरा जंगलों से, घने जंगल से घिरा हुआ है, और यहाँ पे कभी भी कोई भी जंगली एनिमल रास्ते पे आ सकता है, तो धीरे धीरे चलाना पड़ता है इस रोड पे। पहले ही एक बोर्ड लगा हुआ था, सावधानी से चलो। गाइस सुबह निकले थे और अभी पूरी रात होने को आई है, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा जहाँ पे हम जा रहे हैं डोंगरगढ़ के मंदिर पहाड़ी पे नज़र आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। आपको कैमरे में दिख रहा है क्या? नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे तो यहाँ से दिख रहा है, और देखो गाइस यहाँ से दिख रहा है मंदिर। तो गाइस जहाँ पे अभी जा रहे हैं वो अभी यहाँ से जस्ट 2 किलोमीटर है, आप देख सकते हो। गाइस डोंगरगढ़ में पहुँच गए हैं और अभी पार्क करना है गाड़ी को, तो हम अभी पार्किंग के लिए जा रहे हैं। इस डोंगरगढ़ में पहुँच गए और गाड़ी भी पार्क कर दी है हमने। गाड़ी पार्क करते समय कौशिक का जो सिर है वो खिड़की में फंस गया था, तो ये रोने लगा था, अभी ये शांत हो चुका है। तो हम जो ये जो व्लॉग है फर्स्ट, मेरा फर्स्ट व्लॉग, तो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। जो अगले व्लॉग में आपको डोंगरगढ़ की सारी बातें जो हम करने वाले हैं वो देखने को मिलेगा, तो ज़रूर देखिएगा अगला व्लॉग। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लेना मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कौशिक को भी सपोर्ट करोगे आप अगर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, and don't forget to comment. Bye bye.